दोस्तों महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में उस दिन जो हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। दोस्तों इसे चमत्कार कहें या अंधविश्वास, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। सैकड़ों लोग बड़ी आस्था के साथ इस कुएं का पानी पी रहे हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है कि अचानक से कुएं का पानी मीठा हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस कुएं का पानी पीने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आने लगे, पानी को पीने लगे और साथ में ले जाने के लिए आसपास खड़े रहते हैं। आलम तो ये है दोस्तों कि यहाँ भीड़ कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। भक्तों मामला है महाराष्ट्र के अहमदनगर के शिरडी गांव का, जहां पर एक कुएं का पानी पिछले कई सालों से कोई भी नहीं भरता था और वहां हमेशा जल का भी अभाव बना रहता था क्योंकि कुएं का पानी तो खारा था। और तो और गांव में केवल दो कुएं थे जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाया करता था और दूसरे का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था। दोस्तों वहां स्वयं शिरडी के साईं बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन जैसे ही साईं बाबा ने उस कुएं में सूखे फूल डाला एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। दोस्तों उस खारे जल को जब वहाँ के लोगों ने निकाला तो वो पानी साफ और निर्मल हो गया। ये घटना काफी चौंकाने वाली थी। दोस्तों उसके बाद वहाँ के सभी लोगों ने इसे साईं बाबा का एक साक्षात चमत्कार माना और फिर क्या, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और साथ ही साथ श्री साईं सचित अध्याय 6 के पृष्ठ क्रमांक 35 में यह छप भी गई। दोस्तों अब वहां के स्थानीय लोग उस कुएं का पानी भर के लेकर जाने लगे और अपने घर में उसे इस्तेमाल करने लगे क्योंकि इसे साईं का चमत्कार मानने लगे। यहां तक कि वहां के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि रामनवमी के महापर्व में यही कुएं का जल सभी की प्यास बुझाने के काम आया था। तो इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।